हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है मानव पशु संघर्ष। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, उनको स्टडी करेंगे। अभी दो दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे गाँव वाले वो मिलकर एक टाइगर को मार रहे थे, तो उस टाइगर की डेथ हो गई। तो ये सब क्यों होता है, ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट क्यों होता है और भारत में किन किन जगह पर ज़्यादा होता है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के मामले बढ़ क्यों रहे हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। पहले हम यूपी का मैप देखते हैं। यूपी में हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस जिले की, पीलीभीत, जो बिल्कुल नेपाल से लगता है और इधर उत्तराखंड से लगता है, और उत्तराखंड में ये उद्धम सिंह नगर का जो एरिया है इसके टच होता है, जो रुद्रपुर वगैरह, और नेपाल से जो लगते हैं वो ये सारे ज़िले हैं, लखीमपुर खेरी, बहारेज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज इत्यादि। हम बात कर रहे हैं पीलीभीत की, जो नेपाल और उत्तराखंड बॉर्डर से लगता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता हूँ। उत्तर प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है जो पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। जिम कॉर्बेट आप जानते हैं आज उत्तराखंड में है, और जब यूपी में से उत्तराखंड अलग हुआ, ये बात है 2000 की, तो वो यूपी में चला गया था और बाद में वो टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। तो ये कौन सा है, ये है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो आंसर है इसका ए। यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, यूपी में 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है इसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों हैं। इसके अंदर दुधवा नेशनल पार्क है, किशनपुर वन्य विहार है और कटरनिया घाट वन्य विहार है। इन तीनों को मिला के बनता है दुधवा टाइगर रिजर्व। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 3 हैं टाइगर रिजर्व यूपी के अंदर। जिस टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भारत का 45वां टाइगर रिजर्व है। आज की बात करें तो भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं टोटल। जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद हमने जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको टाइगर रिजर्व का दर्जा देना शुरू किया, जिससे हम टाइगर्स का संरक्षण कर सकें। आपको बता दूं, टाइगर हर कंट्री में नहीं पाया जाता, कुछ कंट्री हैं जिनमें टाइगर पाया जाता है, इनको मिलाकर बोलते हैं टाइगर रेंज कंट्रीज। टाइगर रेंज कंट्रीज, टाइगर मतलब बाघ, और ये जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं ये अपनी बाघ की पॉपुलेशन को दुगना करना चाहते हैं। ये इनका टारगेट है कि हम बाघ की जो पॉपुलेशन है उसको दुगना करेंगे। इस मिशन का नाम है T into 2। अभी तक सिर्फ नेपाल ऐसा कर पाया है, बाकी देश नहीं कर पाए हैं। और दुनिया के 70% जो टाइगर हैं वो इंडिया में होते हैं, तो इंडिया को हम टाइगर कंट्री भी बोलते हैं। सबसे पहला जो यूपी में टाइगर रिजर्व बना था वो था दुधवा, ये बना था 1987 में। दूसरा टाइगर रिजर्व था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये डिक्लेयर हुआ था 2012 में। और तीसरा जो है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व सबसे नया, ये 2014 में यूपी का तीसरा टाइगर रिजर्व बना था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर के अलावा तेंदुआ भी पाया जाता है, यानी लेपर्ड भी पाया जाता है। एक स्टडी हुई है, इंपॉर्टेंट स्टडी है ये, इससे आपको ये पता चलेगा कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ये पीलीभीत में इतने क्यों होते हैं, मानव पशु संघर्ष। सन 2000 से 2013 तक की अगर मैं बात करूं, 13 साल में लगभग 156 लोग मारे गए थे सिर्फ दुधवा से लेकर जो पीलीभीत तक का जो एरिया है उसके अंदर। ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर दुधवा नेशनल पार्क भी आता है, किशनपुर और कटरनिया घाट वन्य विहार भी आता है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आता है। यानी काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्स एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। इस रीजन में सबसे ज़्यादा मैन और टाइगर कन्फ्लिक्ट होते हैं, टाइगर को हम बिग कैट भी बोल सकते हैं। तो मैन और टाइगर कन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा इस एरिया में होते हैं। अगर मैं 2017 की बात करूँ तो 21 लोग मारे गए थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर, 21। सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन फैटेलिटीज़ हैं यानी लोगों की मृत्यु, वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ही रिकॉर्ड की जाती है। भारत में एक टाइगर रिजर्व और है जिसमें मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, खास तौर पे टाइगर, मैन और टाइगर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है
जो संघर्ष है बहुत ज्यादा देखा जा रहा है पीलीभीत के अलावा, और वो है तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, याद रखिए। और क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ गया तो इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। इन दो टाइगर रिजर्व्स में काफी ज्यादा मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रिसेंट टाइम्स में देखने को मिल रहे हैं। अब बताता हूं मैं स्टडी क्या बोलती है। तो यह स्टडी की गई थी यूपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। यह रिपोर्ट आई थी 2018 के अंदर। तो इसमें ऑब्जर्व किया गया कि जो 13 साल के अंदर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हुए उसमें क्या पैटर्न देखा गया। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो 5 किलोमीटर के एरिया में ही है ऑफ अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। यानी यूजुअली क्या होता है राज्यों के अंदर कि जो टाइगर रिजर्व होते हैं वो उन एरिया से काफ़ी दूर होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व ऐसा नहीं है। जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है उसके सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दूसरा, ऐसा देखा गया कि आधे यानी 54% लगभग जो टाइगर अटैक्स हुए वो जंगल के अंदर ही हुए या फ्रिंज एरियाज में, जंगल के एकदम जो रिम होती है एकदम कोना वहां पे देखे गए। यानी जंगल के परिसर के अंदर ही, या तो जंगल के बिल्कुल कोने में जहां जंगल खत्म होता है या जंगल के अंदर 54.79% अटैक्स। उसके बाद देखे गए 31% खेतों के अंदर खास तौर पे गन्ने के खेतों में। और आपको बता दूं पीलीभीत जो जिला है यहां पे गन्ने की खेती काफी होती है। इनफैक्ट एक तिहाई जो पीलीभीत जिले का जो खेत है एक तिहाई हिस्सा गन्ने की खेती की जाती है। 81% जो लोग थे जिन पे अटैक हुए वो थे पुरुष, और इनमें ये जितने भी पुरुष थे उनके अंदर 38% ऐसे थे जो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गए थे, या पान की पत्तियां जिन्हें बीटल बोलते हैं वो इकट्ठी करने गए थे, या बैम्बू के पेड़ इकट्ठे करने गए थे। फायरवुड, बैम्बू, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो इकट्ठी करने गए थे। 32% ऐसे थे जो अपने खेतों में काम कर रहे थे, और 23% ऐसे थे जो खुले में शौच कर रहे थे। दे वर डिफिकेटिंग नियर द फॉरेस्ट। तो इन पे अटैक हुए, तो इससे एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि किस तरह के लोगों पे अटैक हो रहे हैं। ज्यादातर जो अटैक है 90%, और ये बहुत सरप्राइज चीज थी, 90% अटैक हुए दिन के वक्त, वो भी सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। ये वो टाइम है जब जो जंगल के फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी एक्टिव रहती है और फॉरेस्ट गार्ड भी एक्टिव रहते हैं। लेकिन दिन के समय हो रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि जो टाइगर हैं वो ह्यूमन बींग्स को सीक नहीं कर रहे। यानी कि टाइगर्स ह्यूमन बींग्स के पीछे नहीं जब भाग रहे। इसके दो कारण है। पहली बात, टाइगर जो अपना शिकार करता है वो दिन के वक्त नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जो टाइगर है वो ह्यूमन बींग्स का शिकार ही नहीं करता, ह्यूमन बींग्स उसके भोजन में नहीं आते। जो फूड चेन है उसके अंदर बेशक टाइगर ह्यूमन बींग्स को खा सकते हैं पर वो उनका भोजन नहीं है। तो टाइगर का जो भी भोजन है जैसे कि हिरण है या जो मवेशी हैं उनको वो अटैक करते हैं। तो ज्यादातर जो एनकाउंटर हुए ह्यूमन बींग्स और टाइगर के बीच में जो संघर्ष हुए वो किस वजह से हुए, ह्यूमन बींग्स डिस्टर्ब कर रहे हैं टाइगर्स को, ना कि उल्टा, ना कि टाइगर्स ह्यूमन बींग्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ह्यूमन बींग्स डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं टाइगर्स को, देखिए, या तो टाइगर जो हैं वो खेतों के अंदर आराम कर रहे हैं, ठीक है, और या ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं कुछ ना कुछ इकट्ठा करने, जैसे मैंने बताया था आपको कि वो बैम्बू इकट्ठा करने जा रहे हैं या दूसरी चीज़ें, पत्तियां, फूल पत्तियां और ये सब इकट्ठी करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स टाइगर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये रीज़न सामने आया। अब आप पूछेंगे कि टाइगर खेतों में कर क्या रहे हैं, ये अच्छा सवाल है। देखिए, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसके आसपास, एक तो ये बहुत नैरो है, ये समझ लीजिए, बहुत वाइड नहीं है। बहुत सारे एरिया हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो बहुत नैरो हैं, और वो नैरो एरिया सीधे गन्ने के खेतों में निकलते हैं। यानी अगर कोई बाघ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में घूम रहा है तो वहां पे अचानक वो, क्योंकि बफर नहीं है बीच में कोई, जहां फॉरेस्ट खत्म होता है सीधे खेत शुरू हो जाते हैं, बीच में कुछ ऐसा नहीं है जो उनको सेपरेट करे, तो घूमते घूमते टाइगर अचानक, उनको लगता है कि जो खेत हैं वो भी जंगल का ही हिस्सा है, और वो खेतों में आ जाते हैं। और गन्ने के जो खेत होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, उनमें वो आसानी से छुप जाते हैं, उनमें वो आसानी से बैठे रहते हैं, दिखते नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो वो महीनों तक इन गन्ने के खेतों में रहते हैं यहाँ पे जो टाइगर है, और जब लोग काम करते हैं वहां पे तो वो इनके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और फिर वो संघर्ष जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक रीजन तो ये है कि शुगर केन के जो खेत हैं वो बिल्कुल जंगल की कंटिन्यूटी में आते हैं, बीच में कोई एरिया नहीं है जो उनको डिवाइड करे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए आज से लगभग 6 महीने पहले
उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक क्विक रिएक्शन टीम बनाई थी। ये क्विक रिएक्शन टीम ये थी कि अगर मान लो कोई ऐसा कुछ घटना होती है तो तुरंत वहाँ पे पहुँचेगी ये क्विक रिएक्शन टीम। इनके पास कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टॉर्च होती है, ये टॉर्च काफ़ी वैसी होती है जो एकदम से रोशनी आँखों में मारती है टाइगर्स को भगाने के लिए, या पटाखे होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह होते हैं जिससे टाइगर्स को तुरंत ये भगा सकें। भारत के अलग अलग एरियाज में जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है वो देखी जा रही है, इसके अलग अलग कारण सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कर्नाटक में, जहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर होते हैं, याद रखिए कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इंडिया में टाइगर होते हैं, तो वहाँ पे भी जो टुमाकुरु है या जो बेलारी है वहाँ पे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखा गया। पर वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि आजकल पानी की कमी हो रही है, इस वजह से हो रहा है। क्यों पानी की कमी हो रही है? तो जो टाइगर वगैरह हैं वो मानव जहाँ रहते हैं उन एरियाज में आएंगे और फिर कन्फ्लिक्ट होगा। सिर्फ टाइगर के साथ ही नहीं, ये हाथियों के साथ भी देखा जा रहा है, जो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल बोलते हैं, जिसे याद रखिए एलिफेंट हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया था इसके कंजर्वेशन के लिए। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, कई बार जो फॉरेस्ट हैं उनके बीच में से सड़कें निकाल दी जाती हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको बना दिया जाता है, जो इको सेंसिटिव जोन है उनको वायलेट कर दिया जाता है, कंपनियाँ बहुत सारी वहाँ खनन वगैरह करती हैं, इससे जो हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है। जब ह्यूमन बींग्स जानवरों के एरिया में जाएंगे तो जानवर भी फिर ह्यूमन बींग्स के एरिया में आएंगे, और इसी वजह से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। एक और बहुत बड़ा रीजन है जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट का है, और ये डाउन टू अर्थ में बहुत अच्छे से समझाया था, इसे डाउन टू अर्थ जो पत्रिका आती है हर 15 दिन में, कि बहुत सारे एनिमल भारत में ऐसे हैं और पक्षी ऐसे हैं जो अपने प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी एनिमल को बचाना है तो आप ये मत सोचिए कि हम जहां उसको हमने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया उसी के अंदर प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एनिमल हैं वो अपने एरिया में सीमित रहते हैं, वो नेचर का पार्ट है, आप उन्हें नेचुरल कंडीशन दे रहे हो तो उनकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो इस रिसर्च में ये देखा गया था, ये 2016 की रिपोर्ट है, कि 25% तक जो टाइगर हैं वो अपने हिस्से में सीमित नहीं रहते, वो उससे बाहर भी निकलते हैं। और हमें अगर किसी भी एनिमल को बचाना है तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में उसको बचाएंगे तो काम चल जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अभी सिर्फ 150 के आसपास बचे हैं, पूरे इंडिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं सिर्फ 150 सिर्फ। और क्यों? जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए हमने स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, या गुजरात में वेलावडर सेंचुरी है, लेकिन उसके बाद भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खत्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अपने एरिया से बाहर निकलते हैं। ये हमने इसकी जब रेडियो टैगिंग करी, जब हमने इसकी सैटेलाइट ट्रैकिंग वगैरह की, तो हमें पता चला कि ये बहुत सारा टाइम अपने एरियाज के बाहर उड़ के जाते हैं, वहाँ बिताते हैं, और जबकि इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है। तो इससे हमारी जो अप्रोच है एनिमल कंजर्वेशन की वो भी बदलनी चाहिए, सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बना देने से काम नहीं चलेगा, एक पूरी एक होलिस्टिक वाइड अप्रोच चाहिएगी अगर एनिमल्स को बचाना है। अभी यूपी की सरकार ने एक काम और किया है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को डेथ स्टेट डिजास्टर यानी कि आपदा घोषित कर दिया है। इसका फायदा ये होगा, अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो उसको टाइगर मार देता है या हाथी मार देता है उसको, और हाथियों की जो ये है ये भी बहुत बढ़ रही है। अगर मैं सिर्फ एक राज्य की बात करूं ओडिशा की, तो पिछले 4 साल में 360 लोग मारे जा चुके हैं हाथियों की वजह से, अगेन मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का उदाहरण है ये। तो यूपी ने क्या किया, इसको एक आपदा घोषित कर दिया है। इसका यह फायदा होगा, अगर कोई व्यक्ति मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में मारा जाता है तो उसको राज्य आपदा कोष से पैसा मिलेगा, एटलीस्ट 5 लाख रुपए सरकार मुआवजा देगी, पहले यह संभव नहीं हो पाता था। सो यह था हमारा इशू मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। इस पर आपकी क्या राय है मैं जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन, मैं आज सोल्यूशन की बात करना चाहूंगा कि क्या सोल्यूशन हम इसके कर सकते हैं, क्या हम विदेशों से सीख सकते हैं? विदेशों में ये चीज़ें कम है रिलेटिवली, खैर विदेशों में पोचिंग बहुत है, अगर आप देखें जो साउथ अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क है या जो दूसरे, वहाँ पे भी हंटिंग वगैरह बहुत है, लेकिन एटलीस्ट मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट काफ़ी कम है। तो इसके क्या सोल्यूशन है, आप 100 to 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि हम एक मॉडर्न अप्रोच चाहिए हमें मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, तो 150 वर्ड्स में आप अपने आंसर लिख सकते हैं, और अगले 24 घंटे में अगर आप लिखेंगे तो मैं खुद चेक करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।